हाय एवरीवन, हैप्पी संडे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी देखिए, अभी आज संडे है, तो जैसे कल सैटरडे में लेट हो गया था, वैसे आज भी लेट हो जाता है छुट्टी के दिन। मजे से हम लोग सोए रहते हैं। और मैंने जो है ये मक्खियाँ बॉयल की है, कॉर्न बॉयल किया है, और काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में, ऐसे नींबू नमक वगैरह लगा के। तो बस अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बना है, तो अभी बहुत सारे काम हैं, तो जब तक काम होता है बच्चों को भूख लगी रहती है, तो फटाफट से हम इसको खा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिए हैं सब, अब इनको गरम गरम खाएंगे। देखिए धुआं आ रहा है, अभी बॉयल किए हैं। तो देखिए, जो मैं मक्खी पे ये नमक लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ सिंपल सा नमक जो डेली यूज़ होता है, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और अच्छे से उसको जो है मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, जो मैंने नमक जो है मिक्स कर दिया है, और इसको मैं लूँगी नींबू पे इस तरह से, और अपने जो है हमारे कॉर्न है इन पे हम लगा लेंगे। ये देखिए, अच्छे से दूसरे पे भी, और थोड़ा सा नींबू ऊपर से निचोड़ के। हाथ जल के गरम गरम है, और इसको खा लेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्ट हो रहा है। तो इनको दे दिया है, और मैंने आधा खा भी दिया है। तो जल्दबाजी हो रही है यार, बहुत ज्यादा तेज धूप है अभी देखो, और मैं जा रही हूँ डोर मैट धोने के लिए। तो फटाफट से आप लोग बने रहेगा व्लॉग में। तो देखिए, मैं आ गई हूँ बाहर, और मैंने यहाँ पे पानी जो है भरने के लिए रख दिया है। और धूप देखिए काफ़ी तेज़ है आज, ये देखिए बहुत तेज, ये देखिए। तो चलिए फिर फटाफट से मैं काम करती हूँ अपना। तो देखिए, डोरमेट को जो है धोने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे भर लिया है, क्योंकि पानी बंद भी हो सकता है। और टब में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, जितने मेरे डोरमेट हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसमें मैंने डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर। और कोई सा भी पाउडर हो, सभी का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और उसको पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएँगे, ताकि अच्छा सा जो है झाग बन जाए। और इस तरह से देखिए, और फिर जो हम डोरमेट धोने हैं, तो उसको इस वाले जो डिटर्जेंट पाउडर का पानी बनाया है, उसमें अच्छे से डुबो लेंगे, ताकि अच्छे से भीग जाए। तो पानी का लेवल जो है डोरमेट हम जब भिगोने डालेंगे, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होना चाहिए पानी का लेवल जो है, ताकि वो अच्छे से जो है उसमें भीग जाए। और फिर उनको जो है हम छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए, और फिर धोएंगे बाद में। तो जब तक जो है मेरे डोरमेट भीगते हैं अच्छे से सर्फ में, टाइड में, तो तब तक जो है मैं फटाफट से भिंडियाँ काट देती हूँ, और सब्जी भी बना देती हूँ साथ साथ, और फिर फटाफट से अपने डोरमेट धोऊंगी, तो नाश्ता भी बन जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो बस देखिए, यहाँ पे काट रही थी मेरी भिंडियाँ, और दो दो भिंडी मैं एक साथ काट रही हूँ, क्योंकि एक एक करके काफ़ी टाइम लग जाएगा। और भिंडी काटने के बाद देखिए, मैंने छोंक दी है ये भिंडी। तो इसमें मैंने लहसुन का तड़का, मेथी दाना, जीरा डाला है, और मोटे प्याज काट के डाले हैं, और भिंडी डाली है। और बस देखिए, थोड़ी देर में मेरी जो भिंडी की सब्जी है वो पक के तैयार हो चुकी है। और बस अब मैं आ गई हूँ डोरमेट धोने के लिए। तो मैंने आधा घंटे उसको छोड़ दिया था, ताकि वो अच्छे से भीग जाएं, जो उन पे गंदगी है, मैल है, तो वो सारा निकल जाएगा। और हमने फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया, जब मैंने सब्ज़ी बनाई उसके बाद। तो देखिए, ये अच्छे से अब भीग चुके हैं पानी में, और पैरों से मैं इस तरह से इनको जो है कर रही हूँ, ताकि जो इनका मैल है, गंदगी है, वो अच्छे से निकल जाए। और पैर से करने के बाद देखिए, मैंने अब निकाल दिया है डोरमेट को बाहर इस तरह से। और अब जो है, अगर ब्रश मारने लायक हैं कपड़े, तो डोरमेट का जो कपड़ा है, तो इस तरह से हम ब्रश का यूज़ कर लेंगे, जैसे हम कपड़े धोते हैं, इस तरह से रगड़ना है। ज़्यादा तेज़ हमें नहीं रगड़ना चाहिए किसी भी कपड़े को।
और बस दोनों जगह से ब्रश मार के अच्छे से साफ़ हो गया है, क्योंकि अच्छे से ये भीग चुका है और काफ़ी गंदगी जो है इससे निकल रही है। तो इस तरह से जो जैसे हम आधा घंटे भिगो के छोड़ देते हैं तो इससे जो है डोरमेट हो गए या कोई कारपेट या कोई भी कपड़ा है तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि अच्छे से सारा जो गंद है इसमें वो अच्छे से निकल जाता है फटाफट से। तो अगर हम इसको भिगोएंगे नहीं तो पहले हमें इस पर साबुन लगाना पड़ेगा, फिर साबुन जो है एकदम लगा के साफ़ नहीं होते हैं कपड़े। तो इसलिए हमेशा जब भी ध्यान रखें, जब भी डोरमेट वगैरह धोने हो तो पहले इसको भिगो के रखें टब या बाल्टी में, तो फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद इनको इस तरह से हाथ या पैरों से ऐसे मरोड़ते हुए धोएं तो एकदम से साफ़ आ जाते हैं और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। और ब्रश मारने लायक हो तो इस तरह से ब्रश मारना चाहिए जैसे मैंने मारा है, और देखिए कितनी सारी जो है मिट्टी वगैरह इनकी सारी जो गंदगी है सब निकल आई है बिना ज़्यादा मेहनत करे हुए, ये देखिए। क्योंकि जो डोरमेट है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं घरों में, किसी भी दरवाजे के हो, जब भी हम लोग आते जाते हैं तो पैर पोंछना हमारा काम रहता है, तो इसलिए डोरमेट सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं घर के। तो टाइम टू टाइम जो है इनको क्लीन करना चाहिए, धोना चाहिए, सुखाना चाहिए। तो आजकल हमारे यहाँ पर देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है तो मैंने धोए नहीं हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि मशीन में तो फिर मशीन जो है ख़राब हो जाएगी, और मेरी नई मशीन अभी आई है, पहले ख़राब थी पुरानी वाली, और फिर धूप जो है बहुत कम धूप आ रही है, एकदम से धोएंगे तो सूखेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने जो है आज इनको धोया है। और इस तरह से फिर जैसे मैंने बताया उस तरह से धोने के बाद जो है हम पानी में छालते रहेंगे जब तक कि इस पे जो है बिल्कुल साफ़ पानी ना निकले, तब तक हम जो है डोरमेट को धोते रहेंगे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा काला पानी निकल रहा है, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा इनको छालने में, काफ़ी गंदे थे, धोने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और ये देखिए इस तरह से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो है छोटी बाल्टियाँ भी भर के रखी थी, तो इनमें इस तरह से डुबो डुबो के जब तक साफ पानी ना निकले तब तक बस मैं जो है धोती रही। तो इसी तरह से हमें जो है डोरमेट को धोना है घर पे ही, बस किसी की हेल्प नहीं लेनी है, बिना किसी की मदद के आसानी से हम लोग इस तरह से जो है अपने घर के डोरमेट कारपेट वगैरह घर में खुद ही धो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।